लुधियाना डिजिटल प्रेस क्लब की स्थानीय सर्किट हाउस में एक विशेष बैठक हुई, जिसमें पंजाब के विभिन्न शहरों के अलावा स्थानीय वेब चैनलों और समाचार पत्रों से संबंधित चैनल के मालिकों और पत्रकारों ने भाग लिया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करना और आने वाले दिनों में इन मुद्दों को हल करना था। इस मौके पर उपस्थित पत्रकारों ने अपने अपने विचार प्रकट किए और कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। डिजिटल प्रेस क्लब जो कि पंजाब का बनया होया है, पिछले काफ़ी समय तो सेवावान जड़िया ने पत्रकार वीरां नूं दित्तियां जा रही ने। अज उहदी एक विशेष मीटिंग सर्किट हाउस लुधियाना विखे आयोजित हुई, जिस विच लगभग 60 तों 70 वैब पोर्टल चैनलों के MD साहबान ने एडिटर साहबान ने भाग लिता। मीटिंग में फैसला किया गया कि जिन्हां पत्रकार वीरां नूं कोई सहूलत नहीं मिलती, वैब पोर्टल सहूलत नहीं मिलती, तो उहदी एक विशेष कमेटी जिहड़ी है वह बनाई गई है, जो कि आंदे दिनां दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इस बारे मिल के विस्तार दे नाल वैब पोर्टलां दे सहूलतां बारे उन्हां नूं जाणू कराऊगी। पंजाब दे विचों जलंधर तों पठानकोट तों वख-वख शहरां तों पत्रकार भाईचारा ने भाग लिता। सारिआं नूं भरोसा दवाया गया कि जो डिजिटल प्रेस क्लब है हर एक दे दुख सुख दे नाल खड़ा वा, किसी भी पत्रकार भाईचारे को किसी भी कैमरामैन को कोई दुख सुख किसी वेले खुदा ना खासा कोई लोड़ पैंदी है तो डिजिटल प्रेस क्लब के सारे मैंबर साहबान उहदे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़नगे ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲੱਗ ਖੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਵਿੰਦਰ ਸਰਾਣਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।